गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मैं डॉक्टर विकास मक्कड़, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना। तो आज हम सब लोग वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं। वर्ल्ड किडनी डे नॉर्मली सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार जो वर्ल्ड किडनी डे है उसका थीम है ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। हमें, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पेशेंट्स को, सबको ये पता होना चाहिए कि किडनी की प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे कॉमन कॉज किडनी की प्रॉब्लम का हमारी कम्युनिटी में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। तो शुगर वाले पेशेंट्स जो भी होते हैं या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स जो भी होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन पेशेंट्स को जैसे ही किडनी की प्रॉब्लम, जैसे ही शुगर का पता लगता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का पता लगता है, सेम डे उनको अपने किडनी के टेस्ट और एक यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मैसेज ये रहेगा सब लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए अगर किसी आपकी आपकी फैमिली में किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर का पता लगता है, तो अगर हम उन टेस्ट को जल्दी करा के किडनी की प्रॉब्लम का जल्दी पता लगा लेते हैं तो हम इस डिज़ीज़ को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं, और अगर बहुत जल्दी हमें पता लग जाता है तो हम इसको वापस रिवर्ट करके नॉर्मल पे भी लेके आ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है किडनी की प्रॉब्लम होने का। तो ये चीज़ हम सबको, हमारी कम्युनिटी में अपने आप को भी समझनी चाहिए और बाकी लोगों को भी, या हमारी हमारी हमारे आसपास किसी को शुगर का पता लगे तो हमें उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किडनी के टेस्ट कराएं अपने। बाकी इम्पॉर्टेंट एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं कि हमें ड्रग्स, मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, पेन किलर्स जो लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कॉन्टीन्यूसली पेन किलर्स खाते रहते हैं। तो पेन किलर की एक टैबलेट, एक सिंगल टैबलेट पेन किलर की कई बार किडनी की प्रॉब्लम कर सकती है। तो लगातार पेन किलर हमें नहीं लेने चाहिए। जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस वजह से पेन हो रही है, हमें डॉक्टर को दिखा के उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट हर तरीके से, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट की फॉर्म में अवेलेबल है, पर हमें किडनी डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से रोकना है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो है, उसको अर्ली डिटेक्शन करके और प्रिवेंट हम कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, जिसके लिए डाइट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए प्रॉपर किडनी की कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मेडिसिंस के लिए आपको केयरफुल होना पड़ेगा। कुछ मेडिसिंस आपको नहीं लेनी होती हैं, तो वो आप प्रॉपर चेकअप करा के उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, ताकि इस किडनी डिजीज़ का बर्डन हमारी कम्युनिटी पे से कम किया जा सके, और इसका फाइनेंशियल बर्डन और इसका सोसाइटी पे जो बर्डन है वो हम इस तरीके से कम कर सकें। थैंक यू।